जब तक काला कानून विड्रॉ नहीं होता प्रदर्शन चलेगा और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। हम देश के संविधान के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा आप पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं। जामा मस्जिद है, सुबह से मीडिया के लोग दिखा रहे हैं, 1 बजे से अब तक लेके किसी ने किसी को एक फूल भी नहीं मारा है, तो शांति प्रिय प्रोटेस्ट चल रहा है। प्रशासन के लोग कई बार घुस के मस्जिद में, अंदर घुस के जामा मस्जिद में लाठियां चला चुके हैं। बहुत दर्दनाक है, बहुत गलत है। हम सब लोगों को ये देखिए जमीन किया गया है, बेइज्जत किया गया, पीटा गया, हमें कोई फर्क नहीं। हमने हाथ ऐसे बांधे हुए हैं सुबह से, हम लाठी भी खा रहे हैं पीछे हाथ बांध करके। हम हिंसा का समर्थन नहीं करते और जो लोग हिंसा करें वो लोग हमारे नहीं। पूरा वेल प्लान्ड होके हम पे सबूत है, हम देंगे ना कोर्ट में। हम कानून से पुलिस वाले भी नहीं बचेंगे, कानून से प्रधानमंत्री भी नहीं बचेंगे। देश के संविधान के अंडरटेकिंग आते हैं वो भी। आरएसएस के लोगों ने प्लान्ड करके, मेरे पास तो रिकॉर्डिंग है, बकायदा मैं दूंगा सुप्रीम कोर्ट में। मुझे तो धमकियां दी जा रही थी, यहां मत आना चंद्र, तुम्हारा कत्ल कर देंगे। मुल्क टूट रहा है, जो घर बैठेगा वो गद्दार होगा। हम लोग घर नहीं बैठेंगे, हम अपने मुल्क के साथ खड़े हैं। और यहाँ भी हजूम देखिए, ये आप हजूम देखिए, ये समय रात के 11 बज रहे हैं, चारों तरफ बैरिकेडिंग करके रोका जा रहा है। जामिया के बच्चे आ रहे हैं, जेएनयू के बच्चे आ रहे हैं, डीयू के बच्चे आ रहे हैं, एएमयू के बच्चे आ रहे हैं, चारों तरफ बैरिकेडिंग करके रोका जा रहा है। लेकिन यहाँ के लोकल लोग ही बैठे हुए, ये खुशी से नहीं बैठे, इनको तकलीफ हो रही है। धर्म के नाम पे बंटवारा नहीं चलेगा, कोई नहीं कर पाएगा। ये वही सीढ़ियां जहां मौलाना आजाद साहब ने स्टेटमेंट दिया था कि देश को बंटने नहीं देंगे। आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 धर्म के आधार पर भेदभाव का बिल्कुल कड़ा विरोध करता है, उसको खत्म किया जा रहा है। बाबा साहब का बच्चा हूं, बाबा साहब का बेटा हूं, अपने होते संविधान को खत्म होने